बीजेपी सनातन धर्म का है, वो ये सब मटन पार्टी पर विश्वास नहीं करता है। अगर जो उसका कार्यक्रम भी होता है तो सात्विक भोजन जो है कार्यकर्ताओं का। देखिए पूरा भारत अभी राममय हुआ है और उसी का एक करीब मकमा में भी चल रहा है, राम विवाह यहाँ चल रहा है और मकामा के बहुत सारे श्रद्धालु इसका लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर जो है कि अभी अभी जो है कि सांसद महोदय आए पूरा जो है कि बताया कि भाई मोकामा विधानसभा और बाढ़ विधानसभा में तो पूरा कार्यों की बौछार लगा दिया है बताते बताते। ये तो मोकामा की जनता बताएगी, मोकामा विधानसभा और बाढ़ विधानसभा तो उनके लिए एकदम से अछूता है हमारे माननीय सांसद महोदय के लिए। नगर परिषद क्षेत्र में भी जो है कि उन्होंने विकास की नदियां बहा दी जैसी बातें चली। कहाँ विकास दिख रहा है वो तो वही बताएंगे कहाँ कहाँ विकास किए हैं मोकामा में और बाढ़ में। हमको तो कहीं भी विकास संसदीय माने क्षेत्र सांसद निधि से कहीं कोई कार्य नहीं दिख रहा है। वो कह रहे थे कि मोकामा डाल की जो समस्या है जल जमाव का उसका हम निराकरण करेंगे। चुनाव का समय है अब तो निराकरण अभी तो होगा ही, चुनाव के समय में जितना भी समस्या होता है सबका निराकरण हो जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर मोकामा विधानसभा में लोग चाय पीने के लिए भी नहीं आते हैं। क्या लगता है सर, इस तरह का जन संवाद कार्यक्रम जो है पूरे साल में पहले कभी हुआ? कार्य माने चुनाव के समय में होता है, चुनाव के समय में तो बहुत सारे माने वादे लुभावने किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर जनता को बैठने के लिए भी बड़ा मुश्किल से बात करने का भी माने समय नहीं दिया जाता है। पिछले चुनाव में तो संवाद चीजें नहीं होती थी, भोज भात हुआ करता था, तो क्या उसका जो है कि नामकरण अलग कर दिया गया? आज भी तो वही भोजे भात हो रहा है, आज भी तो मटने पार्टी चल रहा था, कहीं कहीं सुनने में आया कि मटने पार्टी चल रहा था। कहा जाता है जनसंवाद, तो क्या ये चुनावी एक तरह से रैली और चुनाव की प्रक्रिया जैसी चीजें हैं? चुनाव की जैसी नहीं, 100% चुनाव की तैयारी है, लोग अपने ढंग से इसको जो मैंने प्रचारित करें, लेकिन ये चुनाव की तैयारी है, चुनाव के लिए ये सारा प्रक्रिया किया जा रहा है। तो क्या बीजेपी इससे पिछड़ रही है, वो क्यों नहीं कर पा? बीजेपी पिछड़ रही है, आपको बुझा रहा है बीजेपी पिछड़ने वाला कहीं है? बीजेपी के लिए जनता खुद खड़ा, जिसके पीछे जनता है तो क्या जरूरी है मटन पार्टी? बीजेपी सनातन धर्म का है, वो ये सब मटन पार्टी पर विश्वास नहीं करता है। अगर जो उसका कार्यक्रम भी होता है तो सात्विक भोजन जो है कार्यकर्ताओं के बीच परोसा जाता है। सर करजान में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम होना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यक्रम जहां तक हमें जानकारी है कि अभी कार्यक्रम को कुछ कारण से स्थगित कर दिया गया जी। 19 तारीख का जो कार्यक्रम था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कहीं दूसरे जगह दिल्ली में कुछ प्रोग्राम है, इस वजह से उस प्रोग्राम को रद्द किया गया जैसा हमें जानकारी मिला है। जैसे आज भी हमको जहां तक पता चला है कि आज जब घूम रहे थे तो क्षेत्र की जनता टाल की समस्या को लेकर के उनसे कुछ सवाल करना चाहता था, लेकिन उनके साथ जो चल रहे थे बाहुबली लोग, किसानों को रोका गया कि इस पर बाद में बात होगा, इस पर लिख के दीजिए। तो मैं पिछले चुनाव में उनके साथ एक एक दरवाजा पर मोकामा में गया था जहां जहां वो गए थे, और सब जगह ये समस्या पिछले चुनाव में भी लोग उठा रहे थे, पिछले चुनाव में भी सेम, और आज वही स्थिति बना हुआ है। और फिर अब चुनाव आया है, फिर वादे किए जाएंगे लेकिन ढाक के पास काम होना नहीं है, न हुआ है न होने का कहीं से कोई संभावना है। जब तक सरकार चेंज नहीं होगा, जब तक यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, तब तक टाल के किसान इसी तरह रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे। सर कहीं ना कहीं जनता लगातार समस्या में है, किसान, फिर भी क्यों मुखिया लगातार अधिकांश उन्हीं के साथ देखे जाते हैं? देखिए मुखिया जी सब अपने अपने क्षेत्र में क्या करते हैं नहीं करते हैं और उसका माने उसको डराया जाता है, सत्ता दल के द्वारा डराया जाता है कि तुम्हारे कार्य को हम जांच करवा देंगे, इसलिए किसी का पत्नी मुखिया है, किसी कोई अपने है, जेल जाने के डर से पीछे सब लगा हुआ है।